जानन भूत गणाधि सेवितम् कपित्थ जंबू फल चारु भक्षिणम् उमासुतम् शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में गणेशोत्सव मनाया जाता है। साल 2022 में गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। गणेश उत्सव का त्योहार पूरे 10 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान घर घर बप्पा की मूर्ति स्थापित की जाती है और चारों ओर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे सुनाई पड़ते हैं। लेकिन इसके बाद बप्पा की विदाई भी की जाती है, क्योंकि गणेश महोत्सव के आखिरी दिन विसर्जन की परंपरा होती है। गणपतये नमो नमः। दस दिवसीय महोत्सव के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति का विसर्जन किया जाता है। लोग नदी, तालाब, समुद्र में गणपति की प्रतिमा विसर्जित करते हैं। यदि आप इको फ्रेंडली गणपति की स्थापना करते हैं तो किसी गमले या पानी के टब में भी इनका विसर्जन आसानी से कर सकते हैं। जानते हैं साल 2022 में कब किया जाएगा गणपति विसर्जन और क्या है इसके लिए शुभ मुहूर्त। गणेश उत्सव का त्योहार पूरे 10 दिनों तक हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसके बाद गणपति के विसर्जन के साथ गणेश उत्सव का समापन होता है। लोग इस उम्मीद से गणपति का विसर्जन करते हैं कि वे अगले साल फिर से आएंगे। इसीलिए विसर्जन के दौरान कहा जाता है, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू फिर आना। कैसे हुई गणपति विसर्जन की शुरुआत, आइए जानते हैं। गणेश चतुर्थी पर्व के इतिहास की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले महाराष्ट्र से इस पर्व की शुरुआत की थी। इससे पहले भी गणेश चतुर्थी मनाई जाती थी, लेकिन लोग अपने घरों में ही गणेश जी की पूजा करते थे, लेकिन पंडाल या फिर विशाल आयोजन नहीं किए जाते थे। बाल गंगाधर तिलक जी ने 1893 में पहली बार महाराष्ट्र में धूमधाम और सामूहिक रूप से इस पर्व की शुरुआत की। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। उन्हें जन जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक मंच की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने गणेश महोत्सव की शुरुआत की। गणेश महोत्सव के बाद गणेश विसर्जन किया गया था। तब से ही गणपति विसर्जन किए जाने की परंपरा भी शुरू हो गई। विसर्जन बप्पा की विदाई का दिन होता है, इसलिए इस दौरान भक्त भावुक भी हो जाते हैं। गणपति विसर्जन के लिए नाचते हैं, गाते हैं, रंग गुलाल उड़ाते हैं और धूमधाम से बप्पा के गीत गाते हुए विदाई देते हैं। गणपति विसर्जन हमेशा जलकुंड में करना चाहिए। सबसे पहले एक लकड़ी के पाट में पीला या लाल रंग का कपड़ा बिछा ले, फिर उसमें स्वास्तिक बनाए। पाट में अक्षत फूल रखकर गणपति की मूर्ति रखें। बप्पा की मूर्ति की विधिवत पूजा करें, फल फूल अर्पित करें और मोदक का भोग लगाएं। सभी लोग मिलकर बप्पा की आरती करें। गणपति की प्रतिमा और पूजा से जुड़ी चीजों का सम्मान पूर्वक विसर्जन करें। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करते हुए बप्पा से अगले बरस आने की कामना करें। प्रातः काल मुहूर्त 6:05 से 10:45 तक, इसमें चर, लाभ और अमृत के चौघड़िया होंगे। अपराहन मुहूर्त 12:18 से 1:52 तक चौघड़िया में विसर्जन। शाम में मुहूर्त 5:00 से 6:31 तक चर का चौघड़िया रहेगा। रात्रि मुहूर्त 9:26 से 10:52 तक लाभ के चौघड़िया में विसर्जन। रात्रि काल में शुभ अमृत चर के चौघड़िया में 10 सितंबर 12:19 से 4:36 तक को विसर्जन कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन किया जाता है। पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त और विधि पूर्वक किए गए विसर्जन से ही बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साल 2022 में शुक्रवार 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व है।
विसर्जन के लिए सबसे शुभ मुहूर्त प्रातः और अपराह्न के रहेंगे, लेकिन राहु काल में भूलकर भी गणपति विसर्जन ना करें।